हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से नए वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से नए वीडियो लेके आ चुका हूँ मोटोरोला मोटो E30 फोन के बारे में। एंड इसके अपने टॉपिक आने लगा है इसके अपने फ़ोन में डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट साइज कैसे अप्लाई करेंगे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर गाइस आपको अपने फ़ोन के टेक्स्ट साइज़ को या फिर गाइस आइकॉन साइज़ को डिस्प्ले साइज़ को अगर आपको एडजस्ट करना है अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे हम आपको आज के इस वीडियो में गाइस पूरा बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपन चलते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की गाइस सेटिंग ऑन करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले का, आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस आपको नीचे में देखिए ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले साइज़ एंड टेक्स्ट साइज़ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ आप यहाँ से देखिए अपने फ़ोन के फ़ॉन्ट साइज़ को डिस्प्ले साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि फ़ॉन्ट का कलर अगर आपको बोल्ड करना है तब उसको भी देखिए यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं अपने फ़ोन के फ़ॉन्ट साइज़ को यानी टेक्स्ट को कलर को। एंड गाइज़ आपको नीचे में देखिए हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से अपने फ़ोन के गाइज टेक्स्ट को उसका जो कॉन्ट्रास्ट रहता है हाई भी कर सकते हैं। एंड नीचे में आपको देखिए रिसेट सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। एंड गाइज़ आप यहाँ से देखिए अपने फ़ोन के डिस्प्ले साइज़ को टेक्स्ट साइज़ को यहाँ से सभी को इस प्रकार से देखिए अप्लाई करेंगे। आपको जैसा भी लग रहा है आप यहाँ से उसको यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। तो सिंपल से ट्रिक है गाइस। अगर कोई दिक्कत जा रही तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक बाय बाय।